हम इस वीडियो में देखेंगे प्रोफाइल कमांड। ओके, तो प्रोफाइल कमांड कहाँ यूज होती है? जहां पर भी हमें कंटिन्यूअस स्केच है, लेट से हमारे पास ऐसा स्केच है, तो ऐसा स्केच ड्रॉ करने के लिए हमें प्रोफाइल कमांड यूज करनी पड़ेगी। ओके, तो इस प्रोफाइल में हमें दिख रहा है लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, आर्क और सेमी आर्क। ओके, तो ऐसा स्केच ड्रॉ करने के लिए हम बार बार लाइन कमांड, आर्क कमांड, सर्कुलर कमांड बार बार यूज नहीं कर सकते। ओके, तो ऐसा हमारे पास अगर कंटिन्यूस प्रोफाइल है तो हमें प्रोफाइल कमांड यूज करनी पड़ेगी। ओके, तो प्रोफाइल कमांड कैसे यूज करते हैं? प्रोफाइल कमांड पर क्लिक कीजिए और जैसे भी आपको प्रोफाइल चाहिए, लेट से मुझे फर्स्ट क्लिक कीजिए, वर्टिकल लाइन चाहिए, जैसे हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं वैसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ क्लिक करते जाइए, फिर से वर्टिकल लाइन। अगर और आपको आर्क चाहिए तो आर्क ड्रॉ करने के लिए सिर्फ के माउस पर लेफ्ट साइड बटन क्लिक कीजिए, ड्रैग कीजिए जहां पर भी हमें आर्क चाहिए और एक बार फिर से क्लिक कीजिए तो आपको आर्क मिल जाएगा। ओके, तो फिर से करते हैं, माउस को ड्रैग किया, क्लिक किया, वही बटन होल्ड किया, फिर से माउस को ड्रैग किया और एक बार फिर से क्लिक किया तो हमें ये आर्क मिल जाएगा। और आपको जैसा भी आर्क चाहिए, लेट से मुझे 90 डिग्री आर्क चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, या फिर 180 डिग्री चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। ओके, तो अगर क्लिक करेंगे तो हमें ये आर्क मिल जाएगा। फिर से माउस को अगर ओके, तो यहाँ पर दिख रहा है हम अभी भी कमांड से बाहर नहीं है, तो कमांड से बाहर आने के लिए जस्ट इस कमांड पर फिर से क्लिक कीजिए या फिर कीबोर्ड पर एस्केप बटन दबा दीजिए। ओके, तो आप कमांड से बाहर आ जाएंगे। तो हमने सीख लिया कि प्रोफाइल कमांड कहाँ और कैसे यूज करते हैं। ओके, एक बार फिर से देखते हैं, कमांड पर क्लिक किया और यहाँ पर देखिए स्केच टूल में शो कर रहा है, हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, टेंजेंट आर्क ड्रॉ कर सकते हैं और थ्री पॉइंट आर्क भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक बार फिर से यूज करते हैं, लेट से हमें लाइन फर्स्ट तो लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, तो मैंने लाइन ड्रॉ की। ओके, अब ये टेंजेंट आर्क का ऑप्शन भी विजिबल हो गया। ओके, तो एक बार फिर से यूज करते हैं, कमांड पर क्लिक कीजिए, लाइन ड्रॉ कीजिए, ओके, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कीजिए, होल्ड कीजिए और माउस को ड्रैग कीजिए और एक बार फिर से क्लिक कीजिए तो आपको ये आर्क मिल जाएगा। और जैसा भी आपको आर्क चाहिए वहां पर क्लिक कीजिए और ओके, तो आपको ये टेंजेंट आर्क भी मिल जाएगा। अब थ्री पॉइंट आर्क कैसे ड्रॉ करें? इस थ्री पॉइंट आर्क पर क्लिक कीजिए और ये जो जहां पर भी हम पहले वाला आर्क और लाइन जहां पर भी हम एंड करेंगे वहां पर एक फर्स्ट पॉइंट होगा, ये सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट जस्ट क्लिक कर लीजिए। ओके, तो आपको ये थ्री पॉइंट आर्क भी मिल जाएगा। ओके, तो हमने स्केच टूल से प्रोफाइल कमांड कैसे ड्रॉ करते हैं और रैंडमली माउस से स्केच प्रोफाइल कमांड कैसे ड्रॉ करते हैं वो देख लिया। अगले वीडियो में हम देखेंगे एक्सिस कमांड।